राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा की। उन्होंने कहा कि मेरा कोई वारिस नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस है। मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पल पल आपके लिए है, जनता के सपनों के लिए मेरा जीवन कुर्बान है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की चार सीट पर लड़ने की ताकत नहीं रही। कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही है जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति की एक्सरे कराकर उसका आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये लोग कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। साल 2024 में वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिमोट वाली सरकार ने वोट जिहाद वालों से सौदा किया। वोट के बदले दिल्ली के लोगों की संपत्ति का सौदा हुआ। 123 संपत्तियां रातों रात वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा के बाद पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात की। इन लोगों को सीए के तहत 15 मई को भारतीय नागरिकता दी गई थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।